अभी हम लोग जो जदीद तमीर किया गया रोड है मुल्तान व्याड़ी रोड, उस पर सफ़र करने की आदत हासिल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो नई टेक्नोलॉजी से बनाई गई है ये सड़क, इसके ऊपर जो सिक्योरिटी चेक्स रखे गए हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, इनकी वजह से यहाँ पर पुलिस तैनात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जदीद सिक्योरिटी फीचर्स जिनकी वजह से यहाँ पर कोई ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकता, और ये टेक्नोलॉजी अभी फॉरेन कंट्रीज में भी मुतारफ नहीं कराई गई जो यहाँ कराई गई है इसकी तमीर के दौरान, कि यहाँ पर आपको स्पीड चेक करने के लिए ना तो कैमरे लगाने की ज़रूरत है और ना ही ट्रैफिक पुलिस को तैनात करने की ज़रूरत है। ड्राइवर खुद मजबूर हो के इन फीचर्स की वजह से ब्रेक लगाने पर मजबूर होता है। ये देख सकते हैं, ये जदीद तमीरात का अजीम शाहकार जो एक थैला खर्च किए बगैर तमीर किया गया, और उसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट के 4 नोटिफिकेशन लगे हैं जिनके जरिए ये सड़क तमीर कर दी गई है। और जो ड्राइवर दुराने ड्राइविंग सो जाते हैं उनको कंट्रोल करने का भी ये खातर खा इंतज़ाम किया गया है कि इनकी मौजूदगी में कोई ड्राइवर ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकता, सो नहीं सकता। दोस्तों ये है मुल्तान दिल्ली रोड, जो उसका ऑफिशियल नेम है, वैसे ये मुल्तान भिखारी रोड है, और ये इसकी जो हालत है ये पीटीआई के 4 साल तरक्याती काम का नतीजा है। ये आप देख सकते हैं कि सड़क गढ़ों में तब्दील हो चुकी है, मगर 4 साल सिर्फ सिवाय नोटिफिकेशनों के ऊपर टरखाने के एक धेले का काम इस सड़क पर नहीं किया गया। ये है जी तरक्याती कामों का मुंह बोलता सबूत, जो 4 साल के दौरान उस्मान बुजार साहब ने तरक्याती मॉडल मुतारफ कराया, ये सड़क उनमें से एक है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ सड़क ढूंढ के गाड़ी चलाना पड़ती है। गुज़श्ता 4 साल में यहाँ पर बेशुमार हादसात हो चुके हैं जिनमें सैकड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं निकली, और अभी तक इसकी पोजीशन से बल्कि ये बारिशों की वजह से बदतरीन सूरत इख्तियार कर गई है। और अब जो लोग इन गढ़ों से बचने की कोशिश में किसी दूसरी चीज़ से टकरा जाते हैं और अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, मगर किसी को कोई परवाह नहीं, चाहे ना वो तख्ते लाहौर हो या तख्ते इस्लामाबाद।
تیسرا آ جائے گا.